हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ भाखर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में वन ऑफ द मोस्ट फेमस सत्तू का पराठा का भी रेसिपी मैं इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इसे भाखर बोलते हैं, बहुत जगह इसे सामा का चावल भी बोलते हैं और इसका खीर बनाया जाता है और व्रत में भी आप इसका खीर बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है ये। और यहाँ पे खीर बनाने से पहले मैं दूध को बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ा रखी हूँ और इसे एक बड़ा पानी से धो लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको फुल क्रीम दूध ले सकते हैं, खीर फुल क्रीम दूध में बहुत अच्छा बनता है, या फिर आप टोन मिल्क भी ले सकते हैं। बस उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा उबाल लें, गाढ़ा कर लें, जिससे कि मलाई अच्छे से वहाँ आ जाए और जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो खीर का स्वाद भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पे दूध को गाढ़ा कर लूँगी। दूध को आपको दो चार बार गाढ़ा करने के लिए दो तीन उबाल आ जाती है। जब लेयर बनने लगता है मलाई की, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत गाढ़ा हो गया है आपका दूध। और यहाँ पे मैं जो राइस हो उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छे से आपको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि तली में आपका खीर जले नहीं और लगे नहीं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो बीच बीच में आपको चलाते रहना है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, और मीडियम टू हाई के बीच में आपको अप डाउन फ्लेम को करते रहना। और जब भी खीर जब गाढ़ी हो, चाहे आप किसी चीज़ की भी खीर गाढ़ी करें, तो गाढ़ा जब होने लगे तो उसमें आपको चीनी ऐड कर देना है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 लोगों के लिए खीर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी ली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी डाला है। और इसमें फिर मैं इलायची ऐड कर रही हूँ और आपका भाखड़ का खीर रेडी हो गया है खाने के सत्तू का लिए। पराठा कचौड़ी कैसे बनाते हैं, ये हमारे बिहार स्पेशल डिश है जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो चलिए इसे कैसे बनाना है मैं आपको बता दूँ। पहला तो इंग्रेडिएंट जो मास्टर इंग्रेडिएंट है वो है सत्तू, हमें सत्तू लेना है। फिर इसमें मिक्स करने के लिए आपको चाहिए प्याज, आप बहुत बारीक प्याज काटें, हरी मिर्ची, लहसुन, अजवाइन और कलौंजी भी चाहिए, बट मेरे यहाँ पास यहाँ पर कलौंजी नहीं है। और नींबू चाहिए आपको, यहाँ पे एक बर्तन में सबसे पहले हमें सब्जी डालना है। इसमें मिक्स करना है अजवाइन, लहसुन, हरी मिर्च कटी हुई, प्याज, धनिया पत्ती, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास पुदीना नहीं है तो मैं पुदीना नहीं डालूँगी। फिर मैं यहाँ पे नींबू का रस डालूँगी। इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला, पूरा 1 चम्मच भर के डालना है आपको। हींग डालना है, थोड़ा सा पीसा हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और अंदाज से नमक। और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, ये भी आप 2-3 इसको बाइंड करने में बहुत सहूलियत मिलती है। और जब ये सारे इंग्रेडिएंट डल जाएंगे तो इसे हमें हाथों से मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा लड्डू इसका, और इसमें अच्छे से मैं स्टफिंग कर सकती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा सत्तू का मसाला है और ये आटा है, नॉर्मल जैसे आप पूरी पराठा बनाते हैं वैसे ही आटा है ये। थोड़ा सा आपको टाइट कूदना है, लूज़ नहीं, ताकि आपकी रोटी पराठा पूरी कचौड़ी अच्छा बन सके। और आप ये देख रहे कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसकी डो को आपको डो लेना है, इसे गोल गोल सा बना देना है,
फिर बीच से सेंटर से प्रेस करते हुए आपको ऐसा बनाना है बस। और इसमें आपको ये स्टफ करना है लाइक दिस। अब इसे अच्छे से आपको पैक कर देना है। अब देखिए मैंने कैसे इसे पैक कर दिया है और ऐसे आपको इसे प्रेस कर देना है बस। और आपका ये रेडी हो गया है। और इस तरीके से मैंने सारी स्टफिंग करके रख ली है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि इसे मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसे मुझे बेलना नहीं है, बस मैं ऐसे करके और इसे डीप फ्राई करूँगी। तो चलिए इसे कैसे डीप फ्राई करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, डालूँगी करना है। और इसे आपको बहुत डीप फ्राई करना है। जब वो कचौड़ी आपका फूल जाए, आपको लगे कि थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ गई है, और अच्छे से जब ये डीप फ्राई हो जाए आपको लाल कर लेना है इसे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन, या फिर आप हल्का गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा और भी डार्क कर सकते हो क्योंकि मोटी लेयर है आटे की। तो आपको थोड़ा अच्छे से डीप फ्राई करना है इसको, और दबा दबा के प्रेस कर करके आपको इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप निकाल लीजिए और इसे आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ। और गाइज ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और आप अपने ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच डिनर में आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको बनाना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आप इसे 1-2-3 दिन तक ट्रैवल भी लेकर के कर सकते हो अपने साथ। तो ये बिहार की सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये कुकिंग ब्लॉग अच्छा लगे होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं और भी कोई कुकिंग रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है। ये सारी कचौड़ियाँ देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी। और यहाँ पे मैंने जो भाखड़ की खीर बनाई थी उसे भी मैंने दिखा रही हूँ। और ये रही मेरी लंच की थाली, भाखड़ की खीर, आपको सत्तू की कचौड़ी और ये थोड़ा मैंने इसको डीप फ्राई किया है और इसको मैंने गोल्डन, और ये टमाटर और प्याज का सैलड है, और ये सॉस है, और मेरा लंच यही है, यही मैं खाऊंगी। और आज मैंने यही कुकिंग की और आप लोग के साथ शेयर भी किए। तो चलिए शेयर करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि गाइस आप लोग आ जाओ खाने के लिए, बट हाँ आप मेरी इस रेसिपी को सीख करके, देख करके वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और यम्मी यम्मी लंच करते हैं फिर। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसे खाने जा रही हूँ, और आप लोग भी आइए इसे एंजॉय कीजिए। और आप इसे चलो मैं अब आपको खा करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है, और मैं आपको दिखाऊँ। ये गोल गोल सी कचौड़ी मेरी रेडी है, अब मैं इसे खाऊँगी। मैं बहुत मेहनत की हूँ और ये सचमुच में लाजवाब बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर।
एंड खीर भी बहुत टेस्टी बनी है। ये खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये व्रत वाला खीर होता है, तो आप इसे जब फास्ट रखते हो तब भी आप इसे बना करके खा सकते हो घर में, और मुश्किल से ये 5 से 7 मिनट में ये खीर रेडी हो जाती है, तो बहुत मेहनत नहीं लगती। और मैं इसकी स्टफिंग दिखाऊँ, ये कितना सॉफ्ट बना है, क्रंची है, और इसकी इसका सत्तू का जो स्टफिंग जो मैंने किया था वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, जब आप खाओगे तो आपको बिल्कुल ये नीचे गिरने लगेगा, तो जैसे आलू की कचौड़ी होती है तो बिल्कुल वैसा ही होता है, बस टेस्ट में थोड़ा सा अलग होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।